अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद ज़ीशान आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट ब्लॉग, ब्लॉग कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आपको अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम ओपन करना होगा, और ओपन करने के बाद आपको टाइप करना होगा www.blogger.com। आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से वेबसाइट एड्रेस टाइप किया हुआ है। जैसे ही आप वेबसाइट एड्रेस टाइप करते हैं, आपको एक विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा होगा क्रिएट ब्लॉग। क्रिएट ब्लॉग करने के बाद आपको ईमेल आईडी पासवर्ड पूछेगा। सिर्फ आपको ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन करते हैं, आपके सामने जो विंडो है वो विंडो ओपन हो जाएगी। देख सकते हैं आप, इस तरीके की विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आपको टाइटल डालना है, एड्रेस डालना है और एक थीम सिलेक्ट करना है। तो टाइटल, अगर आप अपने स्कूल का ब्लॉग बना रहे हो तो आप अपना स्कूल का नाम डालें, अगर आप खुद का ब्लॉग बना रहे हो तो खुद का नाम डालें। आपको जो नाम पसंद है वो आप नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस है, जो कि वेब एड्रेस होता है। हम हर किसी की वेबसाइट पर जब भी विज़िट करते हैं तो हम एक एड्रेस टाइप करते हैं। जैसे गूगल पर जाना है तो www.google.com। इसी तरीके से अगर BMC की वेबसाइट खोलनी है तो www.mcgm.gov.in। तो इस तरीके से आप जो ब्लॉग बनाएंगे, लोग आपके ब्लॉग पर भी विज़िट करेंगे तो वो कौन से वेब एड्रेस का इस्तेमाल करें, यही इस एड्रेस में होता है। तो आपको जब भी ब्लॉग बनाना है तो आपको एक एड्रेस सिलेक्ट करना होता है जो कि इस ब्लॉगर में अवेलेबल हो। देख सकते हैं आप, यहाँ पर यहाँ लिखा है यू कैन ऑल्सो ऐड अ कस्टम डोमेन लेटर। यहाँ पर आप जैसे ही नाम टाइप करोगे अपना, तो अगर वो नाम अगर अवेलेबल है तो यहाँ देता है दिस एड्रेस इज़ अवेलेबल। जैसे मैं अपने स्कूल का नाम टाइप करता हूँ, शिवाजी नगर, तो आप देख सकते हैं दिस ब्लॉग इज़ अवेलेबल शिवाजी नगर .blogspot.in। अगर मैं इस ब्लॉग को अपनी वेब एड्रेस बनाता हूँ तो ये एड्रेस अवेलेबल है। कभी कभी हो सकता है कि आप सिर्फ शिवाजी डालें, जैसे देखिए आप शिवाजी डालें, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है सॉरी दिस ब्लॉक एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल। तो इस तरीके से आपको अवेलेबिलिटी देखना होगा कि जो नाम आप सिलेक्ट करना चाहते हैं क्या वो अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपका देख सामने देख सकते हैं शिवाजी नगर .blogspot.com। इस तरीके से मेरा एक नाम होगा जिस पर जो भी विजिट करेगा उसको मेरा ब्लॉग दिखाई देगा। नीचे थीम होती है, आपको कोई भी एक थीम सिलेक्ट करना है, जो कलर जो थीम आपको पसंद है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका ब्लॉग एड्रेस के साथ तैयार हो जाता है। मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ब्लॉग ऑलरेडी बना हुआ है। तो जैसे आप क्रिएट ब्लॉग करते हैं उस विंडो पर, तो क्रिएट ब्लॉग करने के बाद इस तरीके की विंडो आपको सामने नज़र आती है। इस विंडो में बहुत सारे ऑप्शन है, न्यू पोस्ट है, लेफ्ट हैंड पे देख सकते हैं आप ये पोस्ट हैं, स्टेट्स हैं, कमेंट्स, अर्निंग, कैंपेन, पेजेस, लेआउट, थीम, सेटिंग। तो इसके अंदर आपको आपका ब्लॉग डिज़ाइन करना है। किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है सेटिंग पर, सॉरी आप क्लिक करेंगे थीम पर। थीम पर सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके की विंडो नज़र आएगी। एक होता है मोबाइल कैप्शन, दूसरा होता है लाइव एंड ब्लॉग या फिर कंप्यूटर कैप्शन। कंप्यूटर में आपका ब्लॉग लोगों को कैसा नज़र आए, और मोबाइल में जब कोई आपका ब्लॉग ओपन करे तो मोबाइल में वो किस तरीके से नज़र आएगा, ये तमाम बातें इस विंडो में दी गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कस्टम का ऑप्शन है, रेड कलर में, ऑरेंज कलर में कस्टम। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक किया मैंने, मुझे ले जाएगा जहाँ डायरेक्ट अंदर अगली विंडो में ले जाएगा।
आप देख सकते हैं एक विंडो ओपन हो गई। इस विंडो में जूम करके देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो मैंने ब्लॉग बनाया है वो इस तरीके का ब्लॉग बना है, इस तरह बना। इसमें कलर कैसे दिया, हर फॉन्ट को स्टाइल से किस तरह लिखा है, ये तमाम बातें इस विंडो में दी गई हैं। लेफ्ट हैंड पे आप देख सकते हैं थीम, थीम में आपको दी गई थीम में से कोई भी थीम सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये थीम्स पसंद नहीं है आप अपने थीम भी डाल सकते हैं या अपनी खुद की फ़ोटो भी डाल सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आप कौन सा वॉलपेपर चाहेंगे वो वॉलपेपर आपको डालना है, चाहे वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो, चाहे वो ब्लॉगर पे अवेलेबल हो, चाहे वो आपके कंप्यूटर में हो या आपका पसंदीदा हो, आप जो चाहें इस ब्लॉग के बैकग्राउंड में आपका इमेज डाल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इज़ एडजस्ट विड्थ, आपके ब्लॉग में जो मेन पोस्ट है, जो साइड बार है, उनकी साइज़ क्या हो, ये इस एडजस्ट विड्थ में दिया होता है। देखिए मैंने क्लिक किया है, यहाँ मेरी विड्थ आ गई, यानी कि राइट हैंड का साइड बार इतने साइज़ का है, लेफ्ट हैंड का साइड बार इतने साइज़ का है, और जो मेन पोस्ट होती है वो बीच में इस तरीके की पोस्ट है, आप देख सकते हैं सामने। देखिए मैं यहाँ पर इसको कम कर रहा हूँ तो ये साइड बार कम हो गया, देख सकते हैं आप फ़ोटो बढ़ गए। इसको थोड़ा बढ़ा रहा हूँ तो ये फ़ोटोज़ बढ़ गए हैं, इस तरीके से चेंजेस होते हैं। उसके बाद है लेआउट, हो सकता है आपको मेरा लेआउट पसंद ना हो, जैसे मेरा लेआउट ये है, दो साइड बार, बीच में पोस्ट, ऊपर टाइटल, हो सकता है आपको ये पसंद आए जिसमें सिर्फ टाइटल है और नीचे सारी पोस्ट एक साथ है। हो सकता है आपको ये भी पसंद आ सकता है कि मुझे सिर्फ एक साइड बार चाहिए, बाकी सिर्फ पोस्ट ही हो। हो सकता है किसी को लेफ्ट हैंड का साइड बार पसंद हो, हो सकता है कोई ये चाहता हो कि सारी पोस्ट राइट हैंड पे आए और सारे साइड बार लेफ्ट हैंड पे हो। तो आप अपनी अपनी पसंद के हिसाब से एक लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से आपके ब्लॉग की शुरुआत कर सकते हैं। आगे है एडवांस, एडवांस में जैसे ही आप क्लिक करते हैं इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। पहला ऑप्शन है लिंक, ब्लॉग टाइटल, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट, टैप बैकग्राउंड। एक एक टैप पर क्लिक कीजिए, राइट हैंड में आपको चेंजेस दिखाई देंगे, देख सकते हैं आप कलर्स हैं, फॉन्ट हैं, बोल्ड इटैलिक है, आपको ये नीचे के फॉन्ट जैसे जैसे चाहिए उस तरीके से आप उसको कलर कर सकते हैं, फॉन्ट को डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ब्लॉग तैयार हो जाएगा, लेआउट सिलेक्ट करना है, कलर करना है, ये तमाम बातें। और जैसे ही आप चेंजेस करते हैं, आप सब चेंजेस करने के बाद आपको अप्लाई टू ब्लॉग करना ज़रूरी है। अगर आप अप्लाई टू ब्लॉग नहीं करते हैं तो आपके सारे चेंजेस, सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसके लिए आखिरी में अप्लाई टू ब्लॉग ज़रूर करें। चलिए अब हम सीखेंगे, देखिए यहाँ पर दे रहा है, डू यू वॉन्ट टू लीव दिस पेज। मैं ये चेंजेस सेव नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे ब्लॉग पे ऑलरेडी ये चेंजेस हुए हैं, लेकिन आप जब चेंजेस फर्स्ट टाइम करोगे आपको इसे अप्लाई टू ब्लॉग करना है, इसलिए मैं यहाँ पर फिलहाल लीव कर रहा हूँ। इस तरीके से हमारा ब्लॉग तैयार हो जाएगा। आप अपने हिसाब से कलर का इस्तेमाल कीजिए, पिक्चर्स का इस्तेमाल कीजिए, बैकग्राउंड का इस्तेमाल कीजिए। ये तो हो गया हमारा ब्लॉग तैयार, लेकिन अब मेन पार्ट है उसके अंदर हमें कंटेंट टाइप करना है। तो आपने मेरे ब्लॉग में देखा है बहुत सारे कंटेंट हैं, ऑनलाइन पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, वेबसाइट्स, उर्दू बुक्स, मराठी बुक्स, मेडिक्लेम, फॉर्म 16, डिफरेंट वेबसाइट्स, इस तरीके से बहुत सारे टैब्स हैं, जहाँ जहाँ क्लिक करते हैं वो नई नई विंडो बताता है और उस तरीके से आपको मालूम भी मिलती है। तो आप भी अपने ब्लॉग पर इसे कैसे मैनेज करें या देखते हैं। जूम कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें एक ऑप्शन है पोस्ट, फर्स्ट ऑप्शन है, देख सकते हैं आप। पोस्ट पर जैसे मैंने किया तो राइट हैंड पर देखिए इस तरीके से न्यू पोस्ट आ गई है, न्यू पोस्ट पर आपको क्लिक करना है। तो जिस तरीके से आप वर्ड एक्सेल में काम करते हैं उसी तरीके की एक विंडो आपको नज़र आएगी, देखिए ओपन हो गई है। इस विंडो में यहाँ मैंने क्लिक किया है, मुझे कुछ टाइप करना है, टाइप हो रहा है, यानी कि मुझे कुछ मैसेज करना है तो मैसेज कर सकता हूँ, उसे कुछ टाइटल भी देख सकता हूँ, जैसे हाउ टू क्रिएट ब्लॉग, मैंने यहाँ लिख दिया हाउ टू क्रिएट ब्लॉग, देख सकते हैं आप यहाँ लिख दिए, और नीचे पूरा प्रोसीजर लिख दीजिए, वन नंबर पर क्या हो कि ओपन वेबसाइट। तो इस तरीके से आप इसे मैनेज कर सकते हैं। ये तो हो गया सिंपल पोस्ट,
सिंपल को उसको आप कलर भी कर सकते हैं, सामने देख सकते हैं आप बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, बहुत सारे कलर्स इसमें दिए गए हैं, चाहे फॉन्ट कलर हो बैकग्राउंड कलर हो। देखिए कलर, उसके बाद लिंक कलर है तो उसके भी बहुत सारे कलर्स हैं लिंक के, और बैकग्राउंड का भी कलर है। इस तरीके से आपको सेव करना है, पब्लिश करना है, यानी कि आपने जो शादी पोस्ट की वो पब्लिश हो गई, लोगों को नज़र आएगी। इस तरीके से इसमें आप देख सकते हैं ये इमेज का ऑप्शन है, ये इमेज का इमेज वाली ऑप्शन है। इसके बाद बाजू वाला ब्लैक में जो दिख रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे आप तो आपको वीडियो अपलोड हो जाएगी। और ये मेन पार्ट है लिंक, हम देख सकते हैं कभी कभी बताता है क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। जैसे ही हम वहाँ क्लिक करते हैं हमें वो नई विंडो पर लेके जाता है, यानी कि वहाँ उसके बैकग्राउंड में कोई ना कोई लिंक सेव है। तो हम भी वो लिंक कैसे सेव करेंगे आप देख सकते हैं। फर्स्ट कीजिए आपने यूट्यूब पर थाली में वीडियो बनाया है और वीडियो को आप अपने ब्लॉग पर सेव करना चाहते हैं तो वीडियो क्लिक कीजिए और ऊपर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ की जो लिंक होती है वो आपको कॉपी करना होती है। देखिए मैंने यहाँ डबल क्लिक किया तो यहाँ दो ऑप्शन है पेस्ट और सिलेक्ट ऑल, तो सिलेक्ट ऑल किया मैंने और कॉपी किया, मतलब ये लिंक कॉपी हो गई है। इसके बाद मैं वही विंडो में आता हूँ, यहाँ थोड़ा स्पेस देकर यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए ऐसा इस तरीके का पॉइंट आया, पॉइंट पर क्लिक किया पेस्ट आया, यानी कि ये लिंक यहाँ पेस्ट हो गई। क्योंकि मुझे ऊपर यानी कि मेरे ब्लॉग पर लिखना है क्लिक हेयर, वो जो पोस्ट नज़र आएगी वहाँ क्लिक हेयर होना चाहिए। देख सकते हैं आप बैक चला गया है, लिंक पर क्लिक किया है मैंने और यहाँ मैंने जो कॉपी किया था लिंक वो पेस्ट हो गया, ऊपर भी पेस्ट हो गया, इसलिए ऊपर मुझे इसको पहले डिलीट कर देना है क्योंकि मुझे ये नाम नहीं चाहिए इस लिंक, इसलिए कि मुझे सिर्फ शॉर्टकट नाम डालना है ताकि लोगों को सर्च करने में आसानी हो, मुझे भी सर्च करने में सेव करने में आसानी हो। मैं यहाँ सिर्फ टाइप करता हूँ क्लिक हेयर तो आपके ब्लॉग पे सिर्फ नाम नज़र आएगा क्लिक हेयर, लेकिन उसके बैकग्राउंड में ये लिंक होगी और डायरेक्ट वो लिंक ओपन हो जाएगी। इस तरीके से सेव कीजिए, ओके कीजिए और आगे बढ़िए। मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ब्लॉग में ऑलरेडी ये सेव है। इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं, इमेज अपलोड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, तमाम बातें ब्लॉग में दी गई हैं। जिस तरीके से आप एक एक ऑप्शन की तरफ नज़र डालेंगे आपको वो ऑप्शन समझ में आता जाएगा। तो इस तरीके से आपसे इस वीडियो के आखिर में यही गुजारिश है कि आप कम अज़ कम अपने स्कूल का भी तो ब्लॉग बनाएँ ताकि उसके अंदर सारी मालूमात आपको एक जगह मिल सके, आप अपने स्कूल की सारी बातें जो भी अच्छी बातें हैं, बच्चों की तरक्की है, बच्चों के पुरस्कार हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों के रिकॉर्ड्स हैं, स्कूल के जो पेरेंट्स को बताने वाले रिकॉर्ड होते हैं वो भी आप ब्लॉग पर डाल सकते हैं। तो जिस तरीके से एक इंटरनेशनल स्कूल IOS स्कूल की वेबसाइट्स होती है, आप अपने स्कूल की भी वेबसाइट बना सकते हैं ताकि हमारे बच्चों का हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी महसूस हो कि हम एक स्टेटस वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हर कोई पैसा जमा करे अपने स्कूल का ISO बनाए, लेकिन हम अपनी कोशिश के ज़रिए समाज में बदल पैदा कर सकते हैं। बिकॉज वी आर टीचर्स एंड टीचर्स कैन डू चेंज। आपने वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू। लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको जैसे जैसे वीडियोस न्यू आते जाएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।